पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल जनपद के जूनावई विकासखंड के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर कमीशन मांगने, अभद्र व्यवहार और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। संभल जनपद की गिन्नौर तहसील में स्थित जूनावई विकासखंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ब्लॉक प्रमुख दिव्य प्रकाश यादव पर कमीशन मांगने, अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि जूनावई विकासखंड में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख दिव्य प्रकाश ने सभी सचिवों को अपने कक्ष में बुलाया और ग्राम निधि प्रथम खाते में प्राप्त धनराशि का 2% स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए आई धनराशि का 1% और मनरेगा की कुल धनराशि का 2% पैसा कमीशन के तौर पर देने को कहा। जब सचिवों ने इस अवैध वसूली करने का विरोध किया तो प्रदेश की योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गुलफाम सिंह यादव के ब्लॉक प्रमुख बेटे दिव्य प्रकाश यादव ने अत्यधिक अशोभनीय और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और शिव कुमार को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। परसेंटेज को लेके मामला था, जो प्रमुख जी हैं वो हम थे ग्राम निधि में 2% और नरेगा में 2% और शौचालय पे 40-45 रुपए की मांग कर रहे थे। उसके हमने विरोध किया तो उन्होंने गाली गलौज की, उनके 10-15 लोग थे साथ में वहीं कमरे में और मारपीट भी की। सीएम साहब ने कहा कि हम समस्या समाधान करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, जल्दी करेंगे। अब हमारे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हमारी मीटिंग ली जा रही थी मनरेगा की। मीटिंग समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख साहब ने हमें अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष में बुलाने के बाद हमसे उन्होंने मांग करी गई पैसों की और हमें मना करने का विरोध करने के बाद उन्होंने हमें गाली बकी और जाति सूचक शब्द कहे और मारपीट भी करी। निधि में 2%, नरेगा में 2% और शौचालय में 100 रुपये पर शौचालय।